तन सोवेला तन सोवेला जित दर्शन करना सतगुर चरणा सतगुर चरणा हाँ बलहारी सतगुर चरणा सतगुर चरणा यहाँ जी आत्मक जोत तन तन सतगुर ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान गुरु रूप साध संगत जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। आज असी सब ने अपने पिता रूप सत्कार योग गुरभक्त सिंह जी तलवार जी दे आत्मक कल्याण वास्ते उन्हां दी पवित्र रूह नूं परम पिता परमात्मा जी दे चरणां विच निवास करन दे वास्ते सब ने गुरु महाराज दे गुरु विच अकाल पुरख जी दे चरणां विच अरदास कीती। संसार विच गुरु महाराज कहिंदे हन कि गलत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम। जब तू अकाल पुरख जी ने इस सृष्टि की रचना की थी कहने के तब तू मालिक ने सारे जीवां विच जोत नूं टिकाया। जोत नूं टिकाण दे बाद मालिक का हुकम सी कि जीव नूं मनुष्य योनी विच अपने आप नूं पहचानन दा कि मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण के जीव दा मूल की है तू जोत स्वरूप है और तू उसकी पहचान करके तू परमात्मा दे चरणां दे विच लीन हो सके। पर कहने दे कि बाजी गर एक बाजी पाई पूरे गुर ते नदरी आई। और मालिक एक दूसरी जगह कहंदे ने कि किरत संजोगी पए कतरा करते भोग बिलासा है कि किरत दे नाल जो साड़ी जन्मा जन्मा दी किरत है उस दे नाल जेड़े मालिक ने संजोग बनाए उस दे नाल सानू समय समय दे उत्ते जेड़े न जेड़े परिवार देते माता पिता देते बच्चे देते और जेड़े और साख संबंधी देते उन्हां दे नाल जिहड़ा संजोग करके जिहड़ा है जीव जिहड़ा है संसार दे अंदर विचरदा है भोग विलास करदा है और यह संसार नूं जिहड़ा है कि मालिक ने एक खेड बनाया। मालिक है ना जो साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संकट दुर्जन की तांते एनिस पागो सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना हरक सोक ते रहे अतीता तीन जग तत् पछाना उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा जन नानक ये खेल कठिन है किन्हों गुरमुख जाना। परमात्मा ने कठिन खेल दे विच जिहड़ा है सारे जीवां नूं पाया साडे चंगे भाग हन कि सानू सतगुरु की शरण दित्ती सतगुरु की शरण विच सानू सोझी पाई कि तुहाडा मूल की है तुसी कित्थों आए हो। अज जिहड़ा है कि असी लोग गुरु महाराज कहिंदे ने कि बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोक त्रोह यहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम के जो जिहड़ा है कि उन्हें भाई साहब जी इतना सुंदर कीर्तन व्याख्यान कर रहे थे तो मालिक कहने कि भई परापत मनुख दिहरिया
गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। मगर मिलन का रस्ता केड़ा है? मिलन का रस्ता है कि जह प्राणी होमे तजी करता राम पछान, कहो नानक वो मुकुत नर ए मन साची मान। जद असी यह महसूस करांगे कि सारा संसार उस परमात्मा का पसारा है, सब उस मालिक की जोत है, तो साढ़े जड़े कर्म हैं जीवन के वह परमात्मा के सतगुरु के दसे हुए रस्ते उत्ते आएंगे। अज जड़ा यह परिवार है भाई गुरबख्श सिंह जी जी का, इन्हों का जोड़ा परिवार है शुरू तो ही इन्हों चंगे भाग हैं कि इन्हों जितने बुजुर्ग मिले सब परमात्मा के नाल जुड़े हुए मिले, परमात्मा की सेवा करन वाले मिले, सतगुरु की सेवा करन वाले मिले, गुरु घर की सेवा करन वाले मिले, नाम और बाणी के नाल जुड़न वाले मिले और नाम और बाणी के नाल जोड़न वाले परिवार इन्हों मिले। इन्हों भाई साहब भाई भुपिंदर सिंह जी, मनजीत सिंह जी तलवार, तजिंदर सिंह जी और इन्हों के जोड़े समधी हैं आस्ट्रेलिया उत्थे, सब पूरी दुनिया में उपल साहब पूरी दुनिया में सिखी का प्रचार, गुरबाणी का प्रचार, गुरबाणी के नाल जोड़न का प्रचार, गरीब बच्चों पढ़ाने वास्ते प्रचार, गरीब बच्चों की सेवा करन वास्ते प्रचार पूरी दुनिया में, और जोड़े भी गुरु घर के कीर्तनी हैं, प्रेमी हैं, कथाकार हैं, उन्हों का कितना सत्कार उन्होंने को मिलता है, कितना उन्होंने उत्साह मिलता है, पूरे परिवार की जोड़ा परमात्मा ने एक इन्हों दिता है उस राही कितनी समाज की सेवा हो रही है। और सारे जितने मनजीत भाई साहब के जितने साथी हैं उन्होंने कीर्तन के नाल जोड़ना, उन्होंने जोड़ा है किटी विच भी कीर्तन करना, हर महीने कीर्तन करना, अलग अलग घर परमात्मा के कीर्तन के नाल जोड़ना, बाणी के नाल जोड़ना, तो यह जड़े हैं इन्हों के भी भाग हैं कि यह लोगों जीवों सच के नाल परमात्मा के नाल परमात्मा के नाम के नाल जड़े हैं निरंतर जोड़ रहे हैं। गुरबख्श सिंह भाई साहब जड़े हैं असं उन्होंने भाई साहब भी कहते हाँ, पिता भी कहते हाँ, कि साढ़े उन्होंने नाल बहुत पुराने उन्हों का सानू आशीर्वाद भी मिलता रहा, प्यार मिलता रहा सारे परिवार का। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के स्थान की सेवा जितनी इस परिवार ने की, अवतार सिंह तलवार भाई साहब, गुरबख्श सिंह तलवार भाई साहब इन्हों के खानदान ने की, उतनी जड़ी है शहर में होर परिवार के भागों में नहीं नसीब हो सकी। अज असी उन्हों की आत्मा के कल्याण के वास्ते आत्मा की शांति के वास्ते आए हैं। मालिक ने ता मिलिए जा लेह मिलाए, कहो नानक हर हर गुण गाए, कि आदमी नू कोई डरना नहीं चाहिए। मालिक भगत कबीर कहे क्या नरक क्या स्वर्ग बिचारा, संतन दो राधे हम काहू की कान न करते अपने गुर प्रसादे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिलिए सारिंग पानी, राम कबीरा एक पए है कौ न सके पछानी। ए देही इतने जड़ी है कि अने पांच तत् को तन रचियो, जानो चतुर सुजान जेते उपजो नानका लीन तह में मान। जड़ी भी देखन वाली सृष्टि जो उपजो तो बिनस है, परो आज के काल नानक हर गुण गाय ले, छाट सगल जंजाल। सारी संगत ने सिमरन किया, वंदगी की, उन्होंने आत्मा के कल्याण के वास्ते सब ने अरदास की। असी इन्हों परिवार के जड़ा है कि इन्हों के जड़ी सेवा कर रहे हैं और वध चढ़ के लोग सेवा करन और परमात्मा दे नाम के अलावा कोई संसार में जगह जय मात पिता सुतमीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जे महाप्यान दूध जम दलै ते केवल नाम संग तेरे चले। बाकी कोई चीज़ भी जड़ी है वो तुहाडे नाल नहीं जानी है, साढ़े नाल नहीं जानी है, असी भी अपने समय के निर्धारित समय के संसार को चले जाएंगे। तो जड़ी सेवा सिमरन बंदगी दे नाल परिवार जुड़िया है, लोगों को जोड़ रहा है, समाज को जोड़ रहा है और वध चढ़ के जोड़न का जोड़ा है उपराला करन, और अस संसार के अंदर इन्हें भुलन अंदर सबको अभुल गुरु करतार परमात्मा के अलावा सारा संसार जोड़ा है वो गलतियां दे विच है, गलतियां तो बाहर जोड़ा है कोई संसार नहीं है। तो परमात्मा के चरणों से असी अरदास की है बहुत समय ना लैके, और जोड़ा है कि आई हुई जोड़ी संगत है उन्हों के चरणों के भी असी उन्हों का आभार व्यक्त करते हैं परिवार की तरफों।
और जिहड़ा है यह करते हैं कि परिवार जिहड़ा है इसे तरीके दे नाल सेवा करता रहे ताकि इन्हां दे जिहड़े बुजुर्ग हैं जिहड़े जिस रस्ते दे उत्ते चला गए हैं सेवा दे नाल सिमरन दे नाल बंदगी दे नाल उस दे नाल जुड़ा रहे। माई कहिंदे ने कतकी माई बाप कतके हा कदों थाउ हमाए अगन बिम जल भीतर दबजे काहे काबू पाए। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे कही ना जानी औगुण मेरे। ते जाने के सहे परमात्मा के साडे कितने औगुण हन तुसी जानदे हो गिनती नहीं हो सकती। कहिंदा जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे दया करो किस मेहर उपाओ डुबदे पत्थर तारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।